गाइज, अगर आप अपना एक ऑनलाइन डिजिटल स्टोर क्रिएट करना चाहते हो जहां पर आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हो, एक प्रोफेशनल लुकिंग अपना स्टोर बनाना चाहते हो, तो दोस्तों ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे अपना एक प्रोफेशनल डिजिटल स्टोर बना सकते हो जहाँ से आप अपने किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। दोस्तों ये जो स्टोर डिस्प्ले हो रहा है दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने, हम बिल्कुल इसी तरह का स्टोर बनाने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों आप देख सकते हो ये जो स्टोर है दोस्तों ये काफी प्रोफेशनल लग रहा है। एक बार अगर आपके स्टोर पे कोई यूजर आएगा तो उसे ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि ये कोई नॉर्मल सा स्टोर है। दोस्तों इस स्टोर में आपको हर तरह की फंक्शनैलिटी मिलेगी दोस्तों, जो कि एक डिजिटल डाउनलोडिंग वेबसाइट में स्टोर में होती है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप भी अपना खुद का एक ऑनलाइन डिजिटल सेलिंग स्टोर बनाना चाहते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इस वीडियो को अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेते हो तो वीडियो के एंड तक आपका एक डिजिटल डाउनलोडिंग वेबसाइट बनकर रेडी हो जाएगा, जो कि अगर आप इस तरह का वेबसाइट बनाने मार्केट में जाओगे तो आराम से 8 से 10 हज़ार रुपए आपसे चार्ज कर लेंगे। तो गाइज अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस वीडियो को बिना स्किप करे देखें, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे सेटिंग्स बताए हैं जिन्हें अगर आप मिस कर देते हो तो शायद फिर प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप अपने लिए बना रहे हो तो गुड, अगर आप क्लाइंट के लिए बना रहे हो तो आपका क्लाइंट काफी ज्यादा खुश हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह का आपका ब्लॉग बनता है जब आप अपनी वेब होस्टिंग के ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो कुछ इस तरह का इंटरफेस होता है आपके वेबसाइट का। तो इस वेबसाइट को अब हम डिजाइन करेंगे और हम इसे कन्वर्ट करेंगे एक डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट में, डिजिटल ई कॉम वेबसाइट में हम इसको चेंज करेंगे। इस वीडियो में बताए गए सारे स्टेप्स अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो तो आप भी अपना एक प्रोफेशनल डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट आप बना सकते हो इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए अब हम अपना वेबसाइट बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने ब्लॉग के, अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड में आ जाना है। तो ये हम आ गए हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, इसे हम डैशबोर्ड भी बोल सकते हैं और हम इसे अपने वेबसाइट का बैक एंड भी बोल सकते हैं जहां से हम अपने वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक बार हम अपने ब्लॉग को देख लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो ये 2021 की वर्डप्रेस की बाय डिफॉल्ट थीम है। तो अब हम एंटायर वेबसाइट को यहां पर कस्टमाइज करने वाले हैं। हम यहां पर एक थीम इंस्टॉल करेंगे और प्लगइन्स भी इंस्टॉल करेंगे। इसमें हम जो थीम्स एंड प्लगइन्स यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। तो यहां पर हम एक अच्छी सी थीम को इंस्टॉल करेंगे और हम यहां पर मल्टीपल प्लगइन्स को भी इंस्टॉल करने वाले हैं जिससे हमारे वेबसाइट की फंक्शनैलिटी बढ़ जाए। तो सबसे पहले आपको डैशबोर्ड में आना है और आने के बाद यहां पर अपीयरेंस पे होवर करना है और थीम्स यहां पर आएगा नजर, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर ऐड न्यू पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहां पर ओशन डब्ल्यूपी लिखकर सर्च कर देना है। ओशन डब्ल्यूपी एक फ्री थीम है और वन ऑफ द बेस्ट थीम है, तो हम इसी थीम को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो डब्ल्यूपी थीम आ गई है, तो आपको इस थीम को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही थीम इंस्टॉल हो जाए यहां पर एक्टिवेट पे क्लिक करके आप इस थीम को एक्टिवेट कर दीजिए। तो जैसे ही आपने WP Ocean थीम को इंस्टॉल करा है यहाँ पर आपके सामने एक रिकमेंडेशन आया है एक प्लगइन का, जो कि है Ocean Extra। ये Ocean WP थीम की ही एक प्लगइन है Ocean Extra। ये प्लगइन शायद Ocean WP थीम को बैकएंड में सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर इंस्टॉल करने को बोल रहा है, तो यहाँ पर देखिए बिगिन इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करके आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए और ये इंस्टॉल होने के बाद ऑटोमेटिकली ये एक्टिवेट भी हो जाएगी। तो अब हमें यहाँ पर एक और प्लगइन को इंस्टॉल करना होगा जिसकी मदद से हम अपने वेबसाइट के सारे पेजेस, सारे फॉर्म्स वगैरह सब कुछ हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके इजीली बना सके। जिससे आपके पास किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं है या किसी भी तरह की आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तब भी आप इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने वेबसाइट के सारे पेजेस, फॉर्म्स वगैरह सब कुछ बड़े आसानी से आप क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें कोडिंग की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली। तो जिसके लिए हम इंस्टॉल करेंगे वन ऑफ द बेस्ट साइट बिल्डर जिसका नाम है Elementor Pro। ये वन ऑफ द बेस्ट साइट बिल्डर है जिससे आप इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हो। तो इसके लिए आपको प्लगइन्स पे आना है और यहां पर ऐड न्यू पर आपको क्लिक करना है और यहां पर आपको सर्च करना है Elementor Pro। तो यहाँ पर आप देख सकते हो Elementor वेबसाइट बिल्डर आ गया है और यहां पर आप देख सकते हो 5 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशंस है। तो आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। Elementor प्लगइन सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आपको यहाँ पर एक Elementor का टैब मिल जाता है।
अब उसके बाद आपको कोई भी चीज ऑनलाइन बेचने के लिए, चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट हो या हो वो फिजिकल प्रोडक्ट, तो हमें शॉपिंग कार्ट फंक्शनैलिटी चाहिए होती है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे ई-कॉम इंडस्ट्री की सबसे बेस्ट वूकॉमर्स प्लगइन, जिसकी मदद से हम किसी भी चीज को, चाहे वो फिजिकल हो या फिर हो वो डिजिटल, बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम इस प्लगइन की मदद से इजीली सेल कर सकते हैं। तो प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए सिंपली प्लगइन के ऊपर आए, फिर एड न्यू और सर्च बार में आपको टाइप करना है वूकॉमर्स, और ये वूकॉमर्स की प्लगइन आ गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो 5 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशंस, तो इसको आप यहाँ पर से इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल हो जाने के बाद एक्टिवेट पर क्लिक करके आप इसको एक्टिवेट कर दीजिए। जैसे ही ये प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगी तो आपके सामने वूकॉमर्स सेटअप का एक पेज आ जाएगा। इसके यहाँ पर कुछ 5 स्टेप्स होंगे जिन्हें हमें यहाँ पर सेटअप करना है। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर स्टोर डिटेल्स है, तो यहाँ पर आपको आपके स्टोर की डिटेल्स दे देना है। यहाँ पर आपको अपने स्टोर का बिजनेस का, आपको यहाँ पर अपने स्टोर का, अपने बिजनेस का एड्रेस दे देना है, तो ये आप फिल कर दीजिए। अगर आप अपने लिए स्टोर बना रहे हैं तो ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए आई एम सेलिंग अप ए स्टोर फॉर क्लाइंट, अगर आप क्लाइंट के लिए स्टोर बना रहे हैं तो आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। सेकंड स्टेप में आपको यहां पर पूछा जाएगा कि इन विच इंडस्ट्री डज स्टोर ऑपरेट, मतलब आप किस कैटेगरी में काम कर रहे हो। यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे कैटेगरीज आ जाएंगे। अगर आप फिजिकली कोई स्टोर बना रहे हो तो आपका जो भी प्रोडक्ट है वो जिस भी कैटेगरी में आता है आपको वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर आप डिजिटल स्टोर बना रहे हो तो आपको यहाँ पर अदर को सेलेक्ट करना है, और डिस्क्रिप्शन में आप डिजिटल लिख सकते हो। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। स्टेप 3 में आपको यहाँ पर प्रोडक्ट टाइप्स मिल जाते हैं। यहाँ पर देखिए फिजिकल प्रोडक्ट को यहाँ पर ये टिक है, तो आपको इसे अनटिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड्स है, आपको इस पर टिक करके आपको कंटिन्यू कर देना है। फोर्थ स्टेप में आपको यहाँ पर आपके बिजनेस से रिलेटेड कुछ डिटेल्स पूछी जाएगी, वो आपको यहाँ पर देना है। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स डू यू प्लान टू डिस्प्ले, तो यहाँ पर आप अपने वेबसाइट के ऊपर कितने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करेंगे वो पूछा जा रहा है, जिसे आप बाद में भी चेंज कर सकते हो। आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर सकते हो, बट यहाँ पर एक ऑप्शन मांग रहा है, तो आप के हिसाब से यहां पर आप दे दीजिए। मैं यहां पर से 1012000 कर लेता हूं, और उसके बाद यहां पर देखिए करंटली सेलिंग एल्सवेयर, तो आपको यहां पर से नो कर देना है। उसके बाद इन सारी चीजों को आपको अनटिक कर देना है। अनटिक करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। स्टेप 5 में आपको यहां पर थीम चूज करने को बोलेगा। यहां पर आपको बहुत सारे थीम्स मिल जाते हैं, जो कि पेड भी है फ्री भी है, बट यहां पर हमने ओशन WP को इंस्टॉल करा है, तो यहां पर देखिए कंटिन्यू विथ माय एक्टिव थीम, आपको इस पर क्लिक करना है, और यहां पर आप नो थैंक्स के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो हमने यहां पर सक्सेसफुली अपना वूकॉम स्टोर सेटअप कर लिया है। तो अभी ये हमारा एक ब्रांड न्यू स्टोर बना है। तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर आपको एक वूकॉमर्स का टैब आ गया है, और यहां पर देखिए यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, प्रोडक्ट्स एनालिटिक्स और मार्केटिंग वगैरह, और यहां पर देखिए होम ऑर्डर्स कस्टमर्स, ये सारे ऑप्शंस किस तरह से और कहां पर हमें यूज करने हैं वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। बट उससे पहले हमने यहां पर एक थीम को इंस्टॉल करा है, तो अब हम अपने ब्लॉग को एक बार व्यू करके देखते हैं कि हमने यहां पर एक थीम को इंस्टॉल करा है तो किस तरह का लुक हमारे ब्लॉग को अब मिल रहा है। कुछ इस तरह का पुराना लुक है हमारे ब्लॉग का, अब हम यहां पर से रिफ्रेश इसको कर लेते हैं। सो हियर वी गो, तो यहां पर आप देख सकते हो आपके ब्लॉग का जो लुक है वो चेंज हो चुका है। जो हमने थीम इंस्टॉल करी है उस हिसाब से आपके ब्लॉग का लुक आ रहा है, बट स्टिल ये लुक बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं है। तो अब हम यहां पर से हर वो चीज को कस्टमाइज करेंगे, हर चीज को यहां पर से एडिट करेंगे, और हम अपने ब्लॉग को, अपने वेबसाइट को एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल लुक यहां पर देंगे। बट उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करना कितना ज्यादा सिंपल है। तो उसके लिए हम डैशबोर्ड में आ जाते हैं, और डैशबोर्ड में आ जाने के बाद यहां पर आप देख सकते हो प्रोडक्ट, तो आपको यहां पर से होवर करना है, और यहां पर आप देख सकते हो एड न्यू, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहां पर से आप किसी भी तरह का प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हो अपने स्टोर के लिए। तो यहां पर आप देख सकते हो प्रोडक्ट नेम है, तो यहां पर आप जो भी प्रोडक्ट क्रिएट करना चाहते हैं उसका नेम दे दीजिए। तो मैं यहां पर ई बुक सेल करने वाला हूं, तो मैं यहां पर से अपनी ई बुक का नेम दे देता हूं, आप भी अपने प्रोडक्ट का नेम दे दीजिए।
और टाइटल के बाद यहाँ पर यह है प्रोडक्ट की लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर से आप अपने प्रोडक्ट की लॉन्ग डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पर से रैंडम टेक्स्ट को पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको ओशन WP की सेटिंग्स मिल जाती हैं जिन्हें हमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपके प्रोडक्ट की डिटेल आ गई है। तो मैं यहाँ पर एक डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, मैं सेल कर रहा हूँ ई बुक जो कि एक डाउनलोडेबल प्रोडक्ट है, फिजिकल प्रोडक्ट मैं यहाँ पर नहीं सेल कर रहा। तो यहाँ पर डाउनलोडेबल जो है मुझे इस पर टिक करना है। अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर डाउनलोडेबल पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोडेबल पे क्लिक करते हैं तो इसका मतलब यह हो जाता है कि जब भी कोई यहाँ पर से कुछ परचेस करता है तो उसे एक स्पेशल डाउनलोडेबल लिंक प्रोवाइड हो जाती है और हमारा प्रोडक्ट जो है वो फिजिकल नहीं है तो हमें यहाँ पर वर्चुअल पर भी हमें क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट का रेगुलर प्राइस देना है। अब मेरे प्रोडक्ट का रेगुलर प्राइस है 200 रुपीज़। और उसके बाद यहां पर देखिए सेल प्राइस, सेल प्राइस ये होता है कि जो आपका रेगुलर प्राइस है उस प्राइस से आप अगर डिस्काउंट में दे रहे हो तो यहां पर आपको अपना डिस्काउंटेड प्राइस एंटर करना है। अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं है तो आप इसे ब्लैंक रहने दे सकते हो। तो मैं यहां पर अपने प्रोडक्ट को 10 रुपीज़ में सेल करने वाला हूं क्योंकि ई बुक है तो मैं यहां पर से इसे 10 रुपीज़ में सेल करूंगा। उसके बाद नीचे देखिए डाउनलोडेबल फाइल, जब कोई परचेस करेगा, जब उसके पास एक डाउनलोडेबल फाइल लिंक प्रोवाइड होगी तो उसे क्या डाउनलोड होना चाहिए, क्या डाउनलोड होगा, कौन सी फाइल आप डाउनलोड करवाना चाहते हो इस प्रोडक्ट के अंदर, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ऐड फाइल पे क्लिक करना है और फाइल नेम है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर से चाहो तो फाइल नेम दे सकते हो। फाइल नेम दे देने के बाद यहाँ पर आपको फाइल का URL देना है। अगर कहीं इंटरनेट पे है आपकी फाइल ऑलरेडी तो URL देकर आप यहां से डाउनलोड करवा सकते हो, या अगर आप चाहो तो यहां पर चूज फाइल पर क्लिक करके उस फाइल को अपलोड कर सकते हो। सेलेक्ट फाइल पर क्लिक कीजिए और सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करने के बाद आपकी जो भी फाइल होगी जिसे आप डाउनलोड करवाना चाहते हो उसे आपको अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर से मैं अपनी फाइल को अपलोड कर लेता हूँ। अपलोड कर लेने के बाद आप यहाँ पर देखिए इंसर्ट फाइल URL पे आपको क्लिक कर देना है। आपकी फाइल यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। उसके बाद नीचे आइए और नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो ये आपके प्रोडक्ट की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वो होती है जो आपके प्रोडक्ट इमेज के राइट साइड में डिस्प्ले होती है, तो आपको यहाँ पर से शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देना है। और अब थोड़ा सा स्क्रॉल अप कीजिए और यहाँ पर आप देख सकते हो कैटेगरी है, प्रोडक्ट कैटेगरी है, तो आपको यहाँ पर से अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी बना देना है। अब ये जो मेरा प्रोडक्ट है वो ई बुक है तो मैं यहाँ पर से ई बुक नाम की कैटेगरी बना देता हूँ क्योंकि आगे चल के मैं जितने भी ई बुक सेल करूँगा तो वो इस कैटेगरी में आएंगे। और उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट टैग है, अगर आप चाहो तो अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड टैग दे सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोडक्ट इमेज, सेट प्रोडक्ट इमेज, तो आपको यहाँ पर से अपने प्रोडक्ट की इमेज सेट करना है। तो इसके लिए आपको सेलेक्ट प्रोडक्ट इमेज पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर से आपको अपने प्रोडक्ट की इमेज सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर से मैं अपने प्रोडक्ट की इमेज अपलोड कर देता हूँ। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल सही, बिल्कुल बिना मिस्टेक के आपने सब कुछ एंटर कर दिया है, उसके बाद आप सिंपली यहाँ पर पब्लिश पे क्लिक करके आप पब्लिश कर सकते हो। तो पब्लिश प्रोडक्ट करने के बाद यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट आ रहा है तो आप इस पर क्लिक करके प्रोडक्ट को व्यू कर सकते हैं। तो चलिए हम व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करके एक बार प्रोडक्ट को व्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपका जो पहला डिजिटल प्रोडक्ट है वो बनकर रेडी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके प्रोडक्ट की इमेज शो कर रहा है और इसमें एक बाय डिफॉल्ट जूम इन का ऑप्शन होता है। जब भी कोई यहाँ पर आपकी इमेज के ऊपर माउस का कर्सर लेके आता है तो ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपकी इमेज जो है वो जूम इन हो जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपके प्रोडक्ट का टाइटल है और यहाँ पर इसका प्राइस है जो कि डॉलर्स में है, हम इसे INR में करेंगे आगे। और ये रही आपके प्रोडक्ट की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो कि मैंने लॉन्ग लिख दी है, बट ये आपके प्रोडक्ट की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपके प्रोडक्ट की क्वांटिटी है, यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी वो कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ऐड टू कार्ट, तो यहाँ से कोई भी ऐड टू कार्ट करके परचेस कर सकता है आपका प्रोडक्ट। और उसके बाद नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन, ये आपके प्रोडक्ट की लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है। ये सारी चीज़ें वो है जो हमने अभी बैकएंड में दी हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ये एक साइड बार नज़र आ रहा है जो कि आपके प्रोडक्ट के लेफ्ट साइड में एक साइड बार नज़र आ रहा है, ये वाला हम इसको हटा भी सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जैसे मैंने आपको एक प्रोडक्ट ऐड करना बताया है वैसे ही सेम मैकेनिज्म
मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए मैंने यहाँ पर 4 प्रोडक्ट ऐड कर दिए हैं। अपने सारे प्रोडक्ट्स जो भी आपने क्रिएट किए हैं, जो भी अपलोड किए हैं, उसे देखने के लिए आपको डैशबोर्ड में जाना है और उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट नज़र आ रहा है। यहाँ पर प्रोडक्ट पर आकर यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट पर आपको क्लिक करके यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट्स देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ 4 प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर क्रिएट किए हैं। तो चलिए अब हमारे प्रोडक्ट के जो लेफ्ट साइड में जो साइड बार आ रहा था, अब हम उसे हटाते हैं। इसके लिए आपको अपीरियंस पे आना है और अपीरियंस पे आने के बाद कस्टमाइज पे आना है। कस्टमाइज पे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा वूकॉमर्स, आपको उसे सेलेक्ट करना है। और उसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो सिंगल प्रोडक्ट है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ये लेफ्ट साइड बार जो नज़र आ रहा है ये सेलेक्ट है बाय डिफॉल्ट, तो हमें साइड बार रिमूव करना है। तो हमें यहाँ पर फुल विड इसको सेलेक्ट करना है और यहां से पब्लिश कर दीजिए। उसके बाद चलिए एक बार हम प्रोडक्ट पे जाके देख लेते हैं। हम आ जाते हैं प्रोडक्ट्स, सॉरी यहां पर प्रोडक्ट है, तो चलिए यहां पर व्यू में करके देखता हूं साइड बार हटा है या नहीं। तो यहां पर आप देख सकते हो ये जो अब आपका प्रोडक्ट है वो फुल विड में आ रहा है, यहां से साइड बार हट चुका है, जो कि अब काफी अच्छा लग रहा है। तो अब बारी आती है हमें अपने स्टोर के कुछ इम्पॉर्टेंट पेजेस बनाने की। तो इसके लिए आपको डैशबोर्ड पे आना है और यहाँ पर पेजेस पे आकर यहाँ पर ऐड न्यू पेज पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर आपको कुछ अपने स्टोर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पेजेस बनाने होते हैं। तो सबसे पहले जो पेज होगा वो आप क्रिएट कीजिए, होम। तो आपको बस यहाँ पर टाइटल एंटर करना है और आपको अपने पेज को एम्प्टी रखना है। और उसके बाद नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो ओशन WP सेटिंग, ये जो सेटिंग है ये सिर्फ होम पेज की सेटिंग है। ओशन WP की खास बात यही है कि आप जो भी पेज यहाँ पर क्रिएट करते हो तो उसकी पर्टिकुलर उस पेज की यहाँ पर सेटिंग शो करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेन में यहाँ पर कंटेंट लेआउट है, तो यहाँ पर से ये डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है, तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर से आपको फुल विड्थ इसको सेलेक्ट कर लेना है। और इसे सेलेक्ट करने के बाद ये जो है ना यहाँ पर आप देख सकते हो पैडिंग, इसको आपको डिसेबल करना है। पैडिंग क्या होती है, पैडिंग आपके पेज के साइड में कुछ वाइट कलर के स्पेस आएगा, मतलब ईच साइड, तो हमें वो नहीं चाहिए, तो हम इसको डिसेबल कर देते हैं। और उसके बाद अब आपको यहाँ पर टाइटल में आना है, और टाइटल में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्प्ले पेज टाइटल, आपको इसे डिसेबल कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको ब्रेड क्रम्स में आना है, और आने के बाद ये अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट एनेबल होता है आपको इसे डिसेबल कर देना है। और डिसेबल कर देने के बाद आप सिंपली अपने पेज को पब्लिश कर सकते हो, यहाँ से आपको पब्लिश कर देना है। यहाँ पे अपडेट आ रहा है, मैंने ऑलरेडी पब्लिश करा है, आपको पब्लिश आएगा, आप पब्लिश कर दीजिए। तो हमने पेज यहाँ पर पब्लिश कर दिया है, लेकिन हमारा जो पेज है वो बिल्कुल एम्प्टी है, हमारे पेज पे कोई कंटेंट है नहीं। तो अब हम अपने पेज के ऊपर कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एडिट विद एलिमेंटोर पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप एडिट विद एलिमेंटोर पे क्लिक करते हो तो आपके सामने एलिमेंटर पेज बिल्डर ओपन हो जाता है। अब एलिमेंटर है क्या, मैं आपको बताता हूँ। एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है जो आपकी काफ़ी मदद करता है वेब पेजेस बनाने में। यहाँ पर आपको किसी भी तरह की कोडिंग की नॉलेज अगर नहीं है, फिर भी आप बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही ब्यूटीफुल पेजेस आप एलिमेंटर के मदद से बना सकते हो। जब आप एलिमेंटर यूज़ करते हो तो आपको कोई भी कोडिंग की नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आपको ज़रा सी भी कोडिंग की नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तब भी आप एलिमेंटर का यूज़ करके बहुत ही प्रोफेशनल वेब पेजेस बना सकते हो अपने वेबसाइट्स के लिए। एलिमेंटर का यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ईजी है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाते हैं, जिसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने वेब पेज के अंदर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको हर ऑप्शन, हर एलिमेंट बाय डिफॉल्ट मिल जाता है, जो भी आप अपने वेब पेज में लगाना चाहते हो, अपने वेबसाइट में लगाना चाहते हो, जस्ट आपको सिंपली यहाँ पर से ड्रैग करना है और इस तरह से यहाँ पर इस सेक्शन में लाकर आपको छोड़ देना है। जस्ट सिंपली आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके बहुत ही ईजिली आप एलिमेंटर की मदद से बहुत अच्छे वेब पेजेस वगैरह बना सकते हो। आगे हम एलिमेंटर का ही यूज़ करते हुए वेब पेजेस बना रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना ज़्यादा सिंपल और ईजी होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने होम पेज के ऊपर कंटेंट को क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हो प्लस का आइकन नज़र आ रहा है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये सेक्शन से आप किस तरह का सेक्शन बनाना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है, बट हमारा ये होम पेज है तो हम यहाँ पर सिंगल सेक्शन को यूज़ करेंगे। ये सिंगल सेक्शन है, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब देख सकते हो आपका जो सेक्शन है वो आ गया है, इसे हम कंटेनर कहते हैं। इसके अंदर हम अपना कंटेंट को रखते हैं, इसीलिए ये हमारे कंटेंट का कंटेनर है।
या इसे हम सेक्शन भी बोल सकते हैं। तो अब आपको इस सेक्शन को जरा सी भी एडिट करना हो तो आपको सिंपली यहाँ पर देख सकते हो आप 9 डॉट्स है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर इस सेक्शन से रिलेटेड सारे ऑप्शंस यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो बॉक्स लेयर्ड है, फुल विड्थ है, तो यहाँ पर से मैं बाय डिफॉल्ट इसको बॉक्स रहने देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर से आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं और आप इसको जिस तरह से चाहो आप उस तरह से एडिट कर सकते हो। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टाइल है, आपको इसके ऊपर आना है और आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो बैकग्राउंड टाइप है, तो यहाँ पर से आप क्लिक करके यहाँ पर आप देख सकते हो कलर है, तो यहाँ पर आप क्लिक करके आप अपने कंटेनर का जो है वो बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं बट मैं अभी इस वीडियो के लिए इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। अगर आपको लगता है कलर चेंज करना चाहिए तो आप कर सकते हो। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो एडवांस ऑप्शन भी है, तो यहाँ पर से आके आपको और सारे एडवांस ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि आप यहाँ पर से कर सकते हो। तो अभी फिलहाल के लिए हम ये होम पेज बना रहे हैं, यहाँ पर मैं डिजिटल प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ, तो मैं ये जो सिंगल सेक्शन है इसके अंदर मुझे 2 सेक्शन चाहिए जिसमें मैं एक शो करूँगा अपनी इमेज और दूसरी तरफ होगा टेक्स्ट, उस इमेज या उस प्रोडक्ट से रिलेटेड टेक्स्ट होगा, एक तरफ होगी इमेज उसकी। तो मुझे इस वाले सेक्शन में 2 और सेक्शन चाहिए, ये जो कंटेनर है ना इसके अंदर मुझे 2 इनर सेक्शन चाहिए। तो जो भी चीज आप इस सेक्शन के अंदर डिस्प्ले करवाना चाहते हो वो करवाने के लिए आप यहां पर देख सकते हो एलिमेंटर का ये जो सेक्शन है, यहां पर से भी आप क्लिक करके आ सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो 9 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, एलिमेंट्स मिल जाते हैं, जो भी आप अपने इस कंटेंट इस सेक्शन के अंदर अगर आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो वो आपको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर करना है। या अगर आप चाहो तो अभी देखो मैंने यहाँ पर इस वाले स्क्रीन को चेंज किया है, और अगर आपको इस सेक्शन में जो भी मतलब ऐड करना हो तो यहाँ पर प्लस का आइकॉन नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक करके भी कर सकते हो। देखो मैं अब यहाँ पर प्लस के आइकॉन पर क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पर सारे ऑप्शंस आ गए हैं। तो मुझे इस सेक्शन के अंदर 2 सेक्शंस चाहिए, जैसे मैंने आपको बोला एक में मैं शो कराऊंगा इमेज और एक में मुझे शो करवाना है टेक्स्ट। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इनर सेक्शन ले लेता हूँ, अभी मुझे इनर सेक्शन चाहिए, तो मैं यहाँ पर से इनर सेक्शन को सेलेक्ट करके यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर आपको सिंपली ड्रॉप कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जहाँ पर एक सेक्शन था अब यहाँ पर 2 सेक्शंस आ गए हैं, 2 इनर सेक्शंस आ गए हैं जिसमें मैं अपनी एक इमेज भी डिस्प्ले करवा सकता हूँ और यहाँ पर मैं अपना टेक्स्ट वगैरह भी डिस्प्ले करवा सकता हूँ। तो चलिए अब मैं इस सेक्शन के अंदर इमेज को डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करना है अगेन। जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। अब यहाँ पर 2 सेक्शंस बन गए हैं, 2 इनर सेक्शंस बन गए हैं, अब आप इनमें क्या डिस्प्ले करवाना चाहते हो, अब इस वाले सेक्शन में आप क्या डिस्प्ले करवाओगे। यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस है, इमेज है, टेक्स्ट है, हेडिंग वगैरह है, जो भी आपको डिस्प्ले करवाना है वो आप सिंपली ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हो। मुझे यहाँ पर इमेज चाहिए तो मैं इमेज को ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इमेज की इमेज का सेक्शन बन गया है, अभी हमने इमेज अपलोड नहीं करी इसलिए ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर इमेज आ गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इधर लेफ्ट साइड में चूज़ इमेज का ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ पर से अपनी इमेज को चूज़ कर लेता हूँ जो मुझे यहाँ पर डिस्प्ले करवानी है। चूज इमेज पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर से आपको वो फाइल को सेलेक्ट करना है जो आप वहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर से इस वाली इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी जो इमेज है वो अपलोड हो रही है, मुझे इस वाली इमेज को वहाँ पर शो करवाना है। ये हो गई, इंसर्ट मीडिया पे मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी जो इमेज है वो वन साइड आ गई है, ये वाला जो सेक्शन है वो आपका इमेज का हो गया है। यहाँ पर आपको कुछ और एडिशनल ऑप्शंस मिल जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो आप इसको अलाइन भी कर सकते हो लेफ्ट राइट या सेंटर, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप सेलेक्ट करें मिडिल, इस वाले को सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद नीचे आप यहाँ पर देख सकते हो कैप्शन भी है, अगर आप चाहते हो यहाँ पर कैप्शन देना, यहाँ पर आएगा कैप्शन तो वो आप दे सकते हो, मैं इसे फ़िलहाल के लिए नन ही रहने देता हूँ। और यहाँ पर देखिए लिंक है, अगर आप चाहते हो कोई भी अगर इस इमेज के ऊपर क्लिक करें तो वो रीडायरेक्ट हो जाए किस लिंक पर, किसी और लिंक पर, तो वो लिंक आप यहाँ पर से
दे सकते हो कस्टम यूआरएल में आके, बट फिलहाल मैं इसे भी नन ही रहने देता हूँ। और यहाँ पर से स्टाइल में आके आप इमेज को थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह कर सकते हो, एडवांस में भी आके कर सकते हो, बट फिलहाल अभी के लिए हमें वो उन चीज़ों की ज़रूरत है नहीं। तो हमने जो पहला सेक्शन था उसमें इमेज को ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर ये जो दूसरा सेक्शन है उसमें मैं क्या डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर से डिस्प्ले करवाऊँगा टेक्स्ट को। अब ये मेरी इमेज आ गई है, मतलब मैं जो इमेज डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ मेरी प्रोडक्ट की जो इमेज है वो आ गई है। अब मैं यहाँ पर अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, अपनी इस इमेज से रिलेटेड यहाँ पे टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, आई मीन अपने प्रोडक्ट की डिटेल यहाँ पर देना चाहता हूँ मैं। तो इसके लिए यहाँ पर देख सकते हो हेडिंग है, आपको इसको ड्रैग करना है और यहाँ पर आपको ड्रॉप कर देना है। आप देख सकते हो यहाँ पर आपकी हेडिंग आ गई है। तो ये मेरा जो प्रोडक्ट है उसका टाइटल मुझे यहाँ पर देना है, तो मैं अपने प्रोडक्ट का टाइटल दे देता हूँ। ये मेरे प्रोडक्ट का टाइटल हो गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये काफ़ी स्मॉल है, तो यहाँ पर से आप स्टाइल में आकर इस टाइटल का कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर देखिए टेक्स्ट कलर है, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर से आप जो भी कलर चाहो वो कलर आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर देखिए पिंक, जो भी कलर आपको अच्छा लगे वो कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर ब्लैक ही रहने देता हूँ ताकि प्रोफेशनलनेस रहे थोड़ी सी। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो टाइपोग्राफी, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर से देखिए ये जो फॉन्ट फैमिली है ये रोबोटो है, तो मैं यहाँ पर से इसे मैं यहाँ से उबुंटू सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि मुझे अच्छा लगता है ये फॉन्ट। अब यहाँ पर टाइटल का साइज़ देखिए आप, ये काफ़ी स्मॉल सा है, तो यहाँ पर से आप देखिए साइज़ भी है, तो आप यहाँ पर से अपने टाइटल का साइज़ आप इंक्रीज़ कर सकते हो। तो अभी देखते हैं, हाँ ये अभी फ़िलहाल के लिए ठीक लग रहा है, आप अपने हिसाब से साइज़ वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो वेट जो कि 600 है, यहाँ पर मैं इसे 500 कर देता हूँ, ये थोड़ा सा थिन हो जाएगा वेट। तो अब ये जो टाइटल है आप इसको अलाइन भी कर सकते हो, अभी ये देख सकते हो ये इस तरफ हटा हुआ है, तो आपको कंटेंट यहाँ पर आना है और यहाँ पर देख सकते हो ये सारे ऑप्शन से आप चाहो राइट लेफ्ट मिडिल वगैरह कर सकते हो, तो मैं इसको मिडिल रहने देता हूँ, सॉरी मिडिल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इतना सिंपल होता है गाइस, जस्ट आपको सिंपली आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करते रहना है, बस आपका जो पेज है वो ब्यूटीफुली बिल्ड होता रहेगा। तो ये आपके वेबसाइट का, आपके स्टोर का होम पेज बन रहा है। तो यहाँ पर आप जितना इम्प्रेसिव हो सके उतना इम्प्रेसिव आप अपने होम पेज को बनाने की पूरी कोशिश करें। तो हमने यहाँ पर इमेज ऐड कर दी और यहाँ पर हमने टाइटल ऐड कर दिया है, तो अब हम इसे और कस्टमाइज करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर आप देख सकते हो एलिमेंटोर है, यहाँ पर आप जब भी क्लिक करते हो 9 डॉट्स पे तो एलिमेंटोर का होम पेज आ जाता है, मतलब जो ये सारे एलिमेंट्स आपको मिलते हैं वो आ जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपको काफ़ी एलिमेंट्स मिल जाते हैं, देखिए यहाँ पर इनर सेक्शन, हेडिंग, इमेज, टेक्स्ट एडिटर, मतलब यहाँ पर कुछ बड़ा सा टेक्स्ट लिखना हो आपको पैराग्राफ, तो यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर को आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप कोई वीडियो वगैरह डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो वीडियो है यूट्यूब की, वीमियो की, आप कहीं की भी वीडियो आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो यहाँ पर आप वीडियो को सेलेक्ट करके करवा सकते हो। बटन है, आपको बटन वगैरह मिल जाते हैं। अगर आप अपने होम पेज के ऊपर या किसी भी पेज के ऊपर आप गूगल मैप्स को मैप लगाना चाहते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो गूगल मैप्स है, आपको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ से आप लगा सकते हो। इसमें आपको काफ़ी एलिमेंट्स मिल जाते हैं, ये एलिमेंट्स जो भी मैंने आपको बताया है ये बिल्कुल फ्री है। एलिमेंटर में आपको काफ़ी एलिमेंट्स मिल जाते हैं जिन्हें आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर एलिमेंटर का प्रो वर्जन भी आता है, ये जो एलिमेंट्स आपने अभी देखे ये फ्री है जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पर आप देख सकते हो प्रो, तो ये जो सारे एलिमेंट्स है ये प्रो एलिमेंट्स है। इसे अगर आप यूज करना चाहते हो जो कि काफी एडवांस एलिमेंट्स है, यहां पर आप देख सकते हो पोस्ट वगैरह, पोर्टफोलियो, गैलरी वगैरह, फॉर्म्स वगैरह अगर आप बनाना चाहते हो, यहां पर देखिए लॉगिन वगैरह आप लगाना चाहते हो। यहां पर ये जो प्रो वेरियंट है इसमें आपको काफी ज्यादा यूजफुल और पावरफुल एलिमेंट्स मिल जाते हैं जो हमें एक वेब पेज में और वेबसाइट में जरूरत पड़ती है। ये प्रो वर्जन में जो भी एलिमेंट्स है गाइज ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके पीछे कोडिंग की बहुत मेहनत लगी होती है, इसीलिए ये जो एलिमेंट्स है ये सारे प्रो वर्जन में आपको मिलते हैं। तो अगर आप किसी भी प्रो एलिमेंट को यूज करना चाहते हो तो आपको एलिमेंटर का प्रो वर्जन लेना पड़ेगा। चलिए मैं यहां पे एक बार आपको क्लिक करके दिखाता हूं। तो चलिए ये चलिए लॉग इन वाला यहां पर, इस पर मैंने क्लिक किया, यहां पर आप देख सकते हो सी इट इन एक्शन। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूं, तो जैसे ही मैंने क्लिक किया मैं
एलिमेंटो प्रो के ऑफिशियल वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो रहा हूँ। आ गया हूँ मैं यहाँ पर, अब GoPro पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर देखिए एसेंशियल जो इनका सबसे चीपेस्ट वाला पैक है एसेंशियल, जिसपे आप एक वेबसाइट पे प्रो वर्जन को यूज कर सकते हो जो कि है $49 का। अगर आप इसे मल्टीपल वेबसाइट्स पे यूज करना चाहते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो तीन वेबसाइट पे यूज कर सकते हो $99। तो चलिए हम यहाँ पर $49 का एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 49 USD to INR जो कि हो रहे हैं 3600 रुपीज। तो आपको यहाँ पर 3600 रुपीज पे करना होगा, तब जाके आप एलिमेंटर का प्रो वर्जन यूज कर सकते हो अपने एक वेबसाइट के ऊपर। बट अगर आप 3600 रुपीज पे नहीं करना चाहते, अगर आपको लग रहा है ये थोड़ा सा ज्यादा है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, बट फिर भी मैं एलिमेंटर प्रो वर्जन को यूज करना चाहता हूँ, तो मैं आपको बता दूं, मैंने एलिमेंटर प्रो परचेस करा था इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे, जिसे मैं मल्टीपल वेबसाइट्स के ऊपर यूज कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने एलिमेंटर प्रो को bloggingneeds.com जो कि मेरा स्टोर है, मैंने उसको वहां पर अपलोड करा है सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज में। तो जो लोग भी 3600 रुपीज पे नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, तो वो अगर एलिमेंटर प्रो का फ्यूचर यूज करना चाहते हैं, एलिमेंटर प्रो को यूज करना चाहते हो, तो bloggingneeds.com से आप उसको परचेस कर सकते हो सिर्फ 199 रुपीज में। लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। तो चलिए हम अपने होम पेज पे आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो मैंने टाइटल दिया था वो मैंने चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कुछ इस तरह का टाइटल दे दिया है। तो अब हम अपने पेज को कस्टमाइज करेंगे। तो अब यहाँ पर मुझे अपनी इस बुक से रिलेटेड यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हो व्हाई यू शुड बाय दिस बुक। तो अब मुझे यहाँ पर पॉइंट्स बताने हैं अपनी बुक के बारे में कि आपको क्यों लेना चाहिए। आपका जो भी प्रोडक्ट हो आप उसके बारे में बता सकते हो। मैं ई बुक बेच रहा हूँ तो मैं अपनी बुक के बारे में बता रहा हूँ। तो इसके लिए अब हम यहाँ पर देख सकते हो टाइटल है। तो अब टाइटल के बाद हम यहाँ पर कुछ ऐड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आप डिवाइडर नज़र आ रहा है, तो आपको टाइटल के नीचे एक डिवाइडर ऐड कर देना है। सिंपली आप इसको ड्रैग कीजिए और यहाँ पर आपको इसे ड्रॉप कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो डिवाइडर है वो आ गया है। अब ये फुल डिवाइडर आ रहा है, आप इसका साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हो। देखिए आप रियल टाइम में वो यहाँ पर छोटा या बड़ा हो रहा है, तो मैं इसे इतना रहने देता हूँ। अगर आप चाहो तो इसको आप मतलब कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर से देखिए कुछ डॉटेड हो गया वो, यहाँ पर से बहुत सारे आते हैं ऑप्शंस, आप कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर स्टाइल में आकर आप यहाँ पर से अपने डिवाइडर का कलर चेंज कर सकते हो। तो मैं इसे रेड कर लेता हूँ, हाँ रेड आप अपने हिसाब से कीजिए। वेट यहाँ पर आप देख सकते हो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर देखिए ये थिक हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से कुछ हमने एक डिवाइडर यहाँ पर लगा दिया है। अब हम यहाँ पर से कुछ ऐड करेंगे, हम यहाँ पर लिस्ट ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको लिस्ट लिख के सर्च कर देना है। तो यहाँ पर दो लिस्ट आएंगे, यहाँ पर देखिए प्राइस लिस्ट है, आपको प्राइस लिस्ट नहीं सेलेक्ट करनी। यहाँ पर आइकॉन लिस्ट है, आपको इसको सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ पर लाकर इसे यहाँ पर देखिए ये जो ब्लू लाइन बन रही है वहाँ पर आपको इसे ड्रैग कर देना है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आइकॉन लिस्ट बन गई है। यहाँ पर कुछ तीन ऑप्शंस है, यहाँ पर देखिए एक राइट है, एक रॉन्ग है और दूसरा कुछ है, बट हमें ये तीन नहीं चाहिए। हम यहाँ पर प्रोज बता रहे हैं, अपने प्रोडक्ट के अच्छाइयाँ बता रहे हैं। वाई यू शुड बाय दिस बुक, मतलब आप हम अपने बुक के बारे में अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, प्रोज हम बता रहे हैं। तो हमें ये जो कट वाला है ये नहीं चाहिए, ये हमें कौन में चाहिए, मतलब हम कामियाँ जब बताते हैं तब उसको यूज़ करते हैं, वो हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पर आप देख सकते हो इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करते हो यहाँ पर इससे रिलेटेड ऑप्शंस आ जाते हैं। तो हमें ये जो है थर्ड वाला वो नहीं चाहिए, तो इसको सिंपली कट कर दीजिए। उसके बाद ये जो रॉन्ग है वो भी हमें नहीं चाहिए, इसको भी हम कट कर देते हैं। अब यहाँ पर एक राइट वाला ही बच गया, यानी कि प्रो अच्छा या जो हम बताते हैं वो वाला बच गया है। तो अब हम अपनी बुक से रिलेटेड यहाँ पे पॉइंट्स बताएंगे कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे आपको अगर आप हमारी इस बुक को बाई करते हो। तो मैं यहाँ पर से 4 से 5 पॉइंट्स को पॉइंट करूँगा, तो इसके लिए मुझे ये 4 से 5 बार चाहिए। तो सिंपली यहाँ पर देखिए कॉपी का ऑप्शन है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो ये
देखिए डुप्लीकेट हो जाता है, तो आप जितने भी आपको पॉइंट्स आप बताना चाहते हो आप उतने बार इसको डुप्लीकेट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से 5 कर लिया, चलिए रहने देता हूँ मैं। तो अब हम यहाँ पर से अपनी अपना पॉइंट लिख सकते हो, आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर देखिए टेक्स्ट, तो आप इसमें से अपने टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो। तो आप यहाँ पर जो भी टेक्स्ट देना चाहते हो वो आप लिख सकते हो। मैं अभी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैंने दे दिया, तो ऐसे ही मैं सारे उसमें एक ही टेक्स्ट दे दूंगा ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए हैं, यहाँ पर आप देखिए मैंने 5 पॉइंट्स यहाँ पर बता दिए हैं। और अगर आप कुछ इसमें चेंजेस करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप आ जाते हो, तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट वाले पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखिए आइकॉन, ये जो आइकॉन है यहाँ पर राइट का आइकॉन नज़र आ रहा है, अगर आप उसे चेंज करके कुछ और लगाना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, आइकॉन लाइब्रेरी पर आप क्लिक कीजिए, यहाँ पर इतने सारे आपको आइकॉन्स मिल जाते हैं, जिसको भी आप यूज़ करना चाहो आप कर सकते हो, बट मुझे वो परफेक्ट लग रहा है तो इसीलिए मैं उसको चेंज नहीं करने वाला। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टाइल में आना है, और स्टाइल में आने के बाद यहाँ पर देखिए आइकॉन है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद ये जो आइकॉन्स नज़र आ रहे हैं इसका साइज़ अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पर देखिए साइज़, आप इस तरह से इनका साइज़ बढ़ा सकते हो। अगर आप चाहते हो इसका कलर भी चेंज करना तो वो आप यहाँ पर से कलर पर क्लिक करके कर सकते हो, देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से इसका कलर भी चेंज कर सकते हो आप। और उसके बाद यहाँ पर देखिए टेक्स्ट है, और टेक्स्ट में अगर आप चेंजेस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, टेक्स्ट का कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। यहाँ पर देखिए टाइपोग्राफी है, ये जो फंट्स है वो अगर आप चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं यहाँ से मेरा फेवरेट उबुंटू को सेलेक्ट कर लेता हूँ, उबुंटू यहाँ पर देख सकते हो मैंने चेंज कर दिया है। अगर आप टेक्स्ट का साइज भी बढ़ाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, यहाँ पर देखिए यहाँ पर से ऐसे आप अपने टेक्स्ट का साइज वगैरह बढ़ा सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं इतना रख देता हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर अपडेट पे क्लिक कर देना है, और अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो हमने सेक्शन ऐड करा है, ये जो टाइटल है, डिवाइडर है, और फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो हमने टेक्स्ट को ऐड करा है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर इतना सारा यहाँ पर वाइट स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है। अब हमें हमारे पास और कुछ है नहीं यहाँ पर लिखने के लिए, ये बहुत ही मतलब मेसअप है, अच्छे से यहाँ पर लुक नहीं आ रहा। अगर हम इसको बीच में कर दे, अलाइन कर दे, थोड़ा अच्छा अगर लुक दे तो और अच्छा लगेगा। तो इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर इस कॉलम के पास यहाँ पर ये ऑप्शन है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो एडिट कॉलम, इस कॉलम का ये सेक्शन आ गया है, मतलब एडिटिंग सेक्शन आ गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वर्टिकल अलाइन है, ये बाय डिफॉल्ट है, तो हम इसको मिडिल कर देते हैं, यहाँ पर देखिए मिडिल। जैसे ही मैंने मिडिल करा तो आप देख सकते हो ये सब कुछ मिडिल में आ गया है। अब आपकी मर्जी है, आप मिडिल में रखना चाहो या जैसा पहले था वैसा रखना चाहो, बट मिडिल में काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। तो अब हम यहाँ पर एक बटन लगाएंगे, यहाँ पर ये जो स्पेस है यहाँ पर हमें एक बटन लगाना है, ताकि जब भी कोई उस बटन पे क्लिक करेगा तो वो रिडायरेक्ट हो जाएगा मेरे इस वाले प्रोडक्ट के ऊपर, या अगर आप चाहते हो जब भी कोई उस बटन के ऊपर क्लिक करे तो वो सीधा रिडायरेक्ट हो जाए आपके शॉप वाले पेज पे, मतलब आपके जो सारे प्रोडक्ट्स होते हैं ना उस वाले पेज पे, तो वो भी आप कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पर एक बटन लगाते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर बटन है, आपको इसे ड्रैग करना है और यहाँ पर आपको ड्रॉप कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका बटन आ गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो आपके बटन से रिलेटेड सेटिंग्स आ गए हैं, ये सारा बटन के एडिटिंग सेक्शन है। तो यहाँ पर देखिए टाइप है, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिए। उसके बाद टेक्स्ट देख सकते हो आप, क्लिक हियर लिखा है, तो यहाँ पर से आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, जैसे हो गया शॉप नाउ परचेस या बाय नाउ, तो मैं यहाँ पर से शॉप नाउ लिख देता हूँ बटन पे, तो शॉप नाउ आ गया है। और ये इस तरफ है, अगर आप चाहो इस तरफ करना तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, यहाँ पर देखिए अलाइन है, इस पर से आप उसको राइट कर दीजिए, अब ये राइट साइड में हो गया है, जो कि अच्छा लग रहा है। और इस बटन को अब आपको लिंक करना है, चाहे आप सिंगल प्रोडक्ट करो या अगर आप चाहो आप इसको शॉप पेज के साथ लिंक कर सकते हो। तो जब भी आप WooCommerce प्लगइन को इंस्टॉल करते हो तो WooCommerce प्लगइन आपके 4 बाय डिफ़ॉल्ट पेजेस क्रिएट कर देती है, जिसमें से एक शॉप पेज भी होता है। तो हमें उस पेज का URL यहाँ पर लिंक करना होगा, इसके लिए हमें डैशबोर्ड में आना है और आकर पेजेस पे आ जाइए, ऑल पेजेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपका शॉप पेज होगा, आपको इस पे व्यू पे क्लिक करना है,
देख सकते हो, ये आपका शॉप पेज है जो कि हमें इसी पेज को डिस्प्ले करवाना है हमारे उस वाले बटन के ऊपर। तो इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर यूआरएल पे क्लिक करना है और इस वाले यूआरएल को आपको कॉपी कर लेना है और उसके बाद जाइए अपने उस वाले पेज पर। यहाँ पर आकर इस बटन के पेंसिल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर लिंक है, आपको इस हैश को हटाकर उस वाले लिंक को पेस्ट कर देना है और उसके बाद आपको इस पे अपडेट पे क्लिक कर देना है ताकि ये सेफ हो जाए। अब जब भी कोई इस शॉप वाले बटन पे क्लिक करेगा तो वो सीधा रीडायरेक्ट हो जाएगा आपके शॉप वाले पेज पर। तो चलिए, अब हमने अपना होम पेज बना लिया है, अब हम अपने वेबसाइट के फ्रंट पेज पे एक बार आके देखते हैं कि ये जो होम पेज है वो चलिए अब हमने अपना होम पेज बना लिया है। अब हम अपने वेबसाइट के फ्रंट पेज पे अब हम अपने वेबसाइट के फ्रंट पेज पर जाते हैं अब हम अपने वेब अब हम अपने वेबसाइट के फ्रंट अब हम अपने अब हम अपने अब हम अप अब हम अपने अब हम अपने तो ये देख सकते हो आप, कुछ इस तरह का हमारा फ्रंट पेज लग रहा था हमारे वेबसाइट का। चलिए एक बार मैं यहाँ पर से इसको रीलोड कर देता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ। ये मैंने रिफ्रेश कर दिया, रीलोड कर दिया, बट स्टिल सेम होम पेज ही हमारे वेबसाइट के फ्रंट पेज पे है। ये हमने जो अभी बनाया है ये वाला होम पेज, ये डिस्प्ले ही नहीं हुआ यहाँ पर। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने एक पेज बनाया है जिसका नाम हमने रखा है होम, बट हमने उस होम पेज को सेट नहीं किया अपने वेबसाइट के फ्रंट पेज के लिए। बस एक छोटी सी सेटिंग होती है, वो आपको करना होगा। इसके लिए हमें डैशबोर्ड में आ जाना है। डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पर सेटिंग्स पे आइए और सेटिंग्स पे आने के बाद रीडिंग इस पर आपको क्लिक करना है और उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो योर होम पेज डिस्प्लेज। यहाँ पर योर लेटेस्ट पोस्ट है। लेटेस्ट पोस्ट मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो पोस्ट आप करते हो ना, तो वो यहाँ पर डिस्प्ले होते हैं। तो हमें यहाँ पर हमने अभी जो पेज बनाया है वो डिस्प्ले करना है। इसके लिए आपको यहाँ पर स्टैटिक पेज पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर देख सकते हो होम पेज है। यहाँ पर से आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पर से आपको होम जो है इसको सेलेक्ट करना है और इसको आपके उस पेज को सेलेक्ट कर लेना है, होम जो आपने बनाया है उसे सेलेक्ट करने के बाद सिंपली सेव चेंजेस पे आपको क्लिक कर देना है। अब हमने पेज सेव कर दिया है, जो पेज हमने बनाया है उस पेज को हमने अपने वेबसाइट के फ्रंट पेज की तरह सेट कर दिया है। तो चलिए एक बार हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये कुछ इस तरह का पेज था। अब मैं इसको यहाँ से रीलोड एक बार करता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके वेबसाइट का फ्रंट पेज बिल्कुल चेंज हो चुका है। आपने जो होम पेज बनाया है वो यहाँ पर आ गया है। आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत अच्छा ये पेज लग रहा है जो आपने अभी अभी क्रिएट किया। अभी आपका यहाँ पर बटन भी आ गया है। इस वाले बटन पे मैं क्लिक करके देखता हूँ, इस बटन पे जैसे मैं क्लिक करूँ तो मैं रिडायरेक्ट होना चाहिए शॉप वाले पेज पर, होता है या नहीं वो देखते हैं। इस पर मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हो मैं आ गया हूँ शॉप वाले पेज पे जहाँ पे मेरे सारे प्रोडक्ट्स लिस्ट होते हैं। तो हमने यहाँ पर अपना होम पेज सक्सेसफुली बना लिया है। बट दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो आपका जो पेज होम पेज है वो काफ़ी छोटा सा है, एक इमेज है और यहाँ पर ये है, बस आपका पेज खत्म। और आपने यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट को लिस्ट करा है और यहाँ पर आपने शॉप का बटन दे दिया है, बट होम पेज काफ़ी छोटा सा है। ऐसा नहीं, यहाँ पर हम और प्रोडक्ट्स को लिस्ट करेंगे, यहाँ पर डिस्प्ले करवाएंगे, यहाँ पर अपने और भी सारे प्रोडक्ट्स आने चाहिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद ये जो प्लस का आइकॉन नज़र आ रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। अगेन आपको इस सिंगल वाले सेक्शन को सेलेक्ट कर लेना है, ये आपका सिंगल वाला सेक्शन आ गया है। आपको इस प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद यहाँ पर से अब आप क्या डिस्प्ले करवाओगे वो आपको यहाँ पर ऐड करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो अब हम यहाँ पर से प्रोडक्ट्स को और प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करवाना चाहते हो, जो भी आप न्यू प्रोडक्ट ऐड करोगे तो वो डायरेक्टली यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर सर्च में आना है और सर्च में आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है शॉर्ट कोड, शॉर्ट लिखते ही आ जाएगा शॉर्ट कोड, इसको आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर ड्रॉप कर देना है। ये आपका शॉर्ट कोड आ गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर इसका कोड है, शॉर्ट कोड जो कि आपको लिखना होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आप, मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट दीजिए, सॉरी ओपन ब्रैकेट, और यहाँ पर आपको लिखना होगा प्रोडक्ट, PRODUCTS, सारा स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए, उसके बाद ब्रैकेट आप क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे मैंने वहाँ पे प्रोडक्ट्स लिखा, ओपन ब्रैकेट प्रोडक्ट्स ब्रैकेट क्लोज, सारा स्मॉल में होना चाहिए, यहाँ पर मेरे प्रोडक्ट्स आ गए हैं। तो अब मैं सिंपली यहाँ पर से अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद चलिए मैं अपने होम पेज पे आ जाता हूँ। देखिए कुछ इस तरह का सिंपल सा छोटा सा पेज था, अब मैं एक बार रिफ्रेश करके यहाँ पर देखते हैं। तो मैंने रिफ्रेश कर दिया, अब यहाँ पर आप देख सकते हो आपके जो प्रोडक्ट्स होंगे यहाँ पर आ जाएंगे। अभी मेरे सिर्फ चार प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4। अब जैसे जैसे मैं ऐड करते जाऊँगा यहाँ पर ऐड होते जाएंगे और नीचे आते जाएंगे। और यहाँ पर आप अपना दिमाग लगा सकते हो, जैसे मैंने आपको सिंपली बताया है सेम मैकेनिज्म होता है। अगर आप चाहो तो मल्टीपल हेडिंग्स लगा सकते हो, यहाँ पर हेडिंग दे सकते हो, डिवाइडर्स वगैरह, जैसे मैंने आपको बताया। सिंपली आपको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाना है और आप अपने होम पेज को और भी बहुत अच्छी तरीके से आप कस्टमाइज कर सकते हो। बस आप यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए और आप बहुत ही ब्यूटीफुल पेज क्रिएट कर सकते हो। याद रहे यहाँ पर प्रो एलिमेंट्स भी है, उनका भी यूज आप कर सकते हो। तो दोस्तों अब हमें अपने स्टोर के मेन्यूज बनाने होंगे, हमारे यहाँ पर मेन्यूज नहीं है तो अब हमें मेन्यूज क्रिएट करने होंगे, मतलब हमारे स्टोर का मेन्यू सेक्शन हमें क्रिएट करना है। तो उसके लिए आपको डैशबोर्ड में आना है और डैशबोर्ड में आने के बाद अपीयरेंस, और यहाँ पर देख सकते हो मेन्यू, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद, उस पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक मेन्यू क्रिएट करना होगा। यहाँ पर देख सकते हो मेन मेन्यू, मेन्यू नेम, यहाँ पर आपको मेन मेन्यू दे देना है। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, ये अप टू यू। उसके बाद आपको यहाँ पर ये ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इसमें से आपको मेन सेलेक्ट कर लेना है। मेन सेलेक्ट करने के बाद आप क्रिएट मेन्यू पर क्लिक कर दीजिए। तो आपका ये जो मेन्यू है वो क्रिएट हो चुका है। तो आपको यहाँ पर ऐड मेन्यू आइटम्स मिल जाते हैं। अब आपको अपने मेन्यू में जो जो भी डिस्प्ले करवाना है वो आपको यहाँ पर से सेलेक्ट करना है। यहाँ पर देखिए आप जो भी डिस्प्ले करवाना चाहते हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, होम, और आप यहाँ पर व्यू ऑल पे भी क्लिक करके भी देख सकते हो। आप जो भी डिस्प्ले करवाना चाहते हो वो आप कर सकते हो, यहाँ पर से होम सेलेक्ट कीजिए, कार्ट, चेकआउट और माय अकाउंट, प्राइवेसी पॉलिसी भी अगर आप करवाना चाहते हो, तो जो भी आप करवाना चाहो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर ई बुक जो आपकी कैटेगरी है वो अगर आप डिस्प्ले करवाना चाहो तो वो भी करवा सकते हो, बट ई बुक आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी क्योंकि हम पेजेस देख रहे हैं और ई बुक जो है वो कैटेगरी है। तो पहले हम यहाँ पर ऐड टू मेन्यू करके इसको ऐड कर लेते हैं। ये सारे ऑप्शंस ऐड हो गए हैं। तो कैटेगरी को डिस्प्ले करवाने के लिए आपको स्क्रॉल अप करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल अप कीजिए और यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन ऑप्शन से, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोडक्ट कैटेगरीज, आपको इस पर क्लिक करना है और इसे क्लोज कीजिए और अब नीचे आइए। और नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोडक्ट कैटेगरीज जो कि नहीं थी, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ई बुक है, इसको क्लिक कर सेलेक्ट करके ऐड टू मेन्यू कीजिए। अब ये भी आपके मेन्यू में ऐड हो चुका है, सॉरी ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर से आप सेफ मेन्यू कर सकते हो, सेफ मेन्यू पे क्लिक कर दीजिए। तो चलिए अब हम अपने होम पेज को विजिट करते हैं और देखते हैं ये मेन्यू आए हैं या नहीं। होम पेज पे आ गए, यहाँ पर कुछ नहीं है। अब हम इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका जो मेन्यू है वो आ गया है। आप देख सकते हो होम, ई बुक, कार्ट, चेकआउट, शॉप जो आपने लगाए हैं होंगे वो आ गए हैं। तो हमने यहाँ पर ये भी जाना कि किस तरह से हम यहाँ पर मेन्यूज़ लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ये भी जाना कि हम किस तरह से मेन्यूज़ ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो मेन्यू है उसके ऊपर यहाँ पर ये छोटा सा गैप नज़र आ रहा है, इसे हम टॉप बार कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो गैप है इसे हम टॉप बार कहते हैं, तो वो हमें नहीं चाहिए, इसको आप हटा सकते हो। तो इसके लिए आपको अपीयरेंस में आना है, यहाँ पर देख सकते हो कस्टमाइज, इस पर आपको क्लिक करना है। और इस पर आने के बाद तो यहाँ पर आप देख सकते हो टॉप बार, आपको इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद जर्नल, यहाँ पर देखिए
इनेबल टॉप बार है, इसको आपको अनटिक करके पब्लिश कर देना है। और अब यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर ये गैप है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो ये गैप चला गया है, जो कि अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अपने ब्लॉग का टाइटल है, तो यहाँ पर आप इस टाइटल को चेंज कर सकते हो अपने लोगो के साथ। तो अगर आपके पास लोगो है तो आप सिंपली अपना लोगो यहाँ पर लगा सकते हो, अगर आपके पास लोगो नहीं है तो आप सिंपली एक लोगो क्रिएट कर सकते हो बिल्कुल फ्री। आपको बस इस वेबसाइट पे जाना है, लोगो MAKR.com, यहाँ पर से आप बहुत इजीली बहुत ही अच्छे लोगोस बना सकते हो बिना किसी डिज़ाइनिंग स्किल के। तो यहाँ पर हम इस वेबसाइट पर आ गए हैं, एक लोगो जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सर्च ओवर 1 मिलियन ग्राफिक। तो यहाँ पर से आप जिस तरह का आप स्टोर बना रहे हो उससे रिलेटेड आपको सर्च कर लेना है लोगो। तो मेरी ई बुक्स का है तो मैं यहाँ पर बुक लिख के सर्च कर देता हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे बुक्स आ गए हैं, तो इस वाले लोगो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको इतना रहने देता हूँ। और उसके बाद टेक्स्ट में भी आपको लिख देना है, तो मैं अभी ई बुक वर्ल्ड लिख देता हूँ, वर्ल्ड ई बुक्स वर्ल्ड। यहाँ पर से आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से फंड फैमिली चेंज कर सकते हो, यहाँ पर देखिए फंड्स वगैरह। तो मैं अपना फेवरेट उबुंटू सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हो आप, और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अभी मैं आपको जल्दी में बताने के लिए कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी हो रही है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर इजीली कस्टमाइज कर सकते हो गाइस, तो मैं इसको अभी रहने देता हूँ। तो चलिए इस तरह का ही लोगो समझ लीजिए अभी बन रहा है मेरा। लोगो डिज़ाइन कर लेने के बाद सिंपली यहाँ पर सेव का आइकन है, आपको इस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद इसको नो थैंक्स कीजिए, यहाँ पर नो थैंक्स डाउनलोड लो रेजोल्यूशन फाइल पे आपको क्लिक कर देना है। आपका जो लोगो होगा वो डाउनलोड हो गया है आपके कंप्यूटर में, तो आपको सिंपली अब डैशबोर्ड में जाना है, और डैशबोर्ड में यहाँ पर आपको अपीरियंस में आके कस्टमाइज पर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर हेडर नज़र आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो लोगो, इस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट लोगो करके आपने जो लोगो डाउनलोड करा है उसको अपलोड कर दीजिए। आपका लोगो आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो आपको स्किप क्रॉपिंग करना है। बस आप देख सकते हो आपका जो लोगो है वो चेंज हो चुका है, आपका टाइटल चला गया है यहाँ से। उसके बाद आपको सिंपली पब्लिश कर देना है। ऑल राइट, एक बार हम यहाँ से रिफ्रेश करके देखते हैं। होम पेज पर आ गया मैं, यहाँ से मैंने रिफ्रेश करा और यहाँ पर मेरा लोगो आ गया है। अभी मैंने जल्दी में बनाया है, इसका साइज़ वगैरह मैंने अच्छे से नहीं करा, आप अपने हिसाब से अच्छे से आप लोगो बना लीजिए। मैं फ़िलहाल के लिए लोगो को रिमूव कर रहा हूँ, आप लोगो लगा लीजिए। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर देखिए, आपके ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों, इसकी जो इमेज है ये कुछ इस तरह से क्रॉप होकर आ रही है। यहाँ पर आप देखिए ये जो इमेज है ये फुल इमेज है, बट यहाँ पर ये जो शो हो रही है वो क्रॉप हो रही है। तो अगर आपके प्रोडक्ट की इमेज का साइज अलग है और यहाँ पर आपके प्रोडक्ट की इमेज अगर क्रॉप हो रही है, अगर आप अपने प्रोडक्ट की फुल इमेज को डिस्प्ले करवाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको आपके डैशबोर्ड में आना है। डैशबोर्ड में आने के बाद आपको कस्टमाइजेशन में आना है, थीम कस्टमाइजेशन में आना है, यहाँ पर अपीयरेंस कस्टमाइजेशन, और उसमें आपको आना है वूकॉमर्स पे। और वूकॉमर्स पे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोडक्ट इमेजेस, इस पर आपको क्लिक करना है, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो बाय डिफॉल्ट क्रॉपिंग साइज है वो 600x3 है, 1:1। आपको इसे हटा कर यहाँ पर आप देख सकते हो अनक्रॉप्ड, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से पब्लिश कर देना है। और उसके बाद चलिए एक बार हम अपने पेज को व्यू कर लेते हैं। यहाँ पर होम पेज पे आ गया मैं, अब रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर आप देखो ये किस तरह से क्रॉप सी पिक्चर्स हैं, अभी आप देखना, रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी जो डिफ़ॉल्ट इमेज साइज़ होगा वो साइज़ यहाँ पर पूरा का पूरा शो करेगा, जो कि अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर आप देखो आपके जो प्रोडक्ट्स है वो आपने 4 क्रिएट करे हैं, मैंने इसीलिए 4 प्रोडक्ट को यहाँ पर क्रिएट करा था। तो यहाँ पर ये 3 प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, और चौथा प्रोडक्ट जो है, फोर्थ प्रोडक्ट अगली लाइन में आ रहा है। तो मैं यहाँ पर 4 प्रोडक्ट्स को साथ में डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, जो कि यहाँ पर गैप भी है और ये बहुत बड़े बड़े भी लग रहे हैं। यहाँ पर सिंगल रो में 3 प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो रहे हैं दोस्तों। तो अगर आप यहाँ पर 4 प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करवाना चाहते हो, या आपकी मर्जी है आप जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाहते हो, अगर आप करवाना चाहते हो तो वो आप कैसे कर सकते हो, इसके लिए आपको आप जो होम पेज पे आ जाइए, यहाँ पर एडिटिंग, और यहाँ पर आपको इसके ऊपर
इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर इस पे कहीं पर भी आप क्लिक कीजिए, इस वाले सेक्शन पे, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर शॉर्ट कोड आ जाता है। तो ये जो शॉर्ट कोड है दोस्तों, इसको आपको थोड़ा सा एडिट करना है। ये जो प्रोडक्ट्स लिखा है ना दोस्तों, इसमें आपको कुछ और लिखना है। तो आप यहाँ पर आइए, प्रोडक्ट्स, यहाँ पर स्पेस दीजिए, आपको यहाँ पर कॉलम्स लिखना है। यहाँ पर देखिए, मैं बोल रहा हूँ स्पेलिंग COLUMNS लिखना है। उसके बाद इज इक्वल टू दे दीजिए, और उसके बाद यहाँ पर आपको डबल कोट्स देना है। डबल कोट्स देने के बाद यहाँ पर डबल कोट्स के जो बीच में आपको यहाँ पर जितने प्रोडक्ट्स आप डिस्प्ले करवाना चाहती हो वो आपको एंटर करना है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 4, तो यहाँ पर 4 प्रोडक्ट्स आ गए हैं। अब मेरे पास 5 प्रोडक्ट है नहीं, मैं वहाँ पर लिख के बताऊँ, बट आप जितने भी प्रोडक्ट लिस्ट कराना चाहते हो बस 4 को चेंज करके आपको वो नंबर लिख देना है। आप यहाँ पर देखो, प्रोडक्ट्स स्पेस कॉलम्स COLUMNS इज इक्वल टू डबल कोट्स में 4 आपको लिखना है बस। उसके बाद आपको यहाँ पर से अप्लाई कर देना है, और यहाँ पर आप अपडेट कर दीजिए। सिंपली अपडेट पर क्लिक कर देने के बाद अब हम यहाँ पर होम पेज पे आ गए हैं। अब मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ ये जो 4 प्रोडक्ट्स है वो सिंगल रो में आ रहे हैं या नहीं। तो ये मैंने रिफ्रेश करा और यहाँ पर आप देख सकते हो सिंगल रो में 4 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जो कि और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब मैं जो नए प्रोडक्ट्स ऐड करूँगा वो नीचे आएंगे, 4-4 आएंगे, एक रो में 4 प्रोडक्ट्स आएंगे। तो दोस्तों अब हमने ऑलमोस्ट अपने पेज को क्रिएट कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो कॉपीराइट है, यहाँ पर देखिए ओशन WP थीम बाय निक आ रहा है। अगर आप इसको चेंज करना चाहो तो यहाँ पर से फुटअप को भी आप चेंज कर सकते हो। वो कैसे करें, तो इसके लिए आपको थीम कस्टमाइजेशन में जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर फुटअप बॉटम है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए जो लिखा है कॉपीराइट ओशन WP थीम बाय निक वगैरह, तो यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हो। आप जो भी लिखना चाहो वो आप लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर से अपने चैनल का नेम दे देता हूँ, स्टे स्मार्ट। अगर आप चाहो तो आप अपना नाम दे सकते हो, आप जो भी देना चाहो तो वो आप दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर से मेरी इंडिया विथ लव ये मैंने दे दिया। अब मैं यहाँ पर से इसे पब्लिश कर देता हूँ, और अब मैं अपने होम पेज पे आ गया हूँ। अब मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर देखिए ये भी चेंज हो गया है, कॉपीराइट 2021 स्टे स्मार्ट मेड इन इंडिया विथ लव जो मैंने लिखा है वो आ गया है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर फुटर सेक्शन में अपना कंटेंट कैसे डिस्प्ले करवाएंगे, इसके लिए आपको डैशबोर्ड में आना है। और डैशबोर्ड में आने के बाद अपीरियंस में आइए। अपीरियंस में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो विजेट्स, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने यहाँ पर विजेट सेक्शन आ गया है। आप यहाँ पर से किसी भी विजेट को आप डिस्प्ले करवा सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको फुटर नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर 4 फुटर्स होते हैं। आपका ये जो फुटर सेक्शन है दोस्तों, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो footer 1, footer 2, footer 3, footer 4। तो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए footer 1, ये जो footer 1 है दोस्तों, ये यहाँ पर आएगा। यहाँ पर footer 1, यहाँ पर footer 2, यहाँ पर footer 3, यहाँ पर footer 4, कुछ इस तरह का फुटर्स होते हैं। अब आप जो भी जिस फुटर में डिस्प्ले करवाओगे वो वहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो सिंपली आप जिस भी फुटर में जो भी आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो वो आप करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल अब मुझे अबाउट मी डिस्प्ले करवाना है, तो सिंपली यहाँ पर भी एलिमेंटर की तरह ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, तो आपको सिंपली अबाउट मी को होल्ड सेलेक्ट करना है और ड्रैग करके यहाँ पर लेके आके आपको जिस भी फुटर में आप जो भी विजेट डिस्प्ले करवाना चाहते हो वहाँ पर आपको ड्रॉप करना है। तो ये मैंने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। footer 1 में मैं अबाउट मी करा रहा हूँ। आप चाहो यहाँ से आप अबाउट मी की जगह अबाउट अज आप लिख सकते हो। यहाँ पर आप नेम चेंज कर सकते हो। नेम मैं यहाँ पर दे देता हूँ अपना नेम सैयद सलमान। अगर आप चाहो तो यहाँ पर से कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर देखिए सोशल लिंक टारगेट, अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर से आप अपने सोशल लिंक्स को डिस्प्ले करवा सकते हो, फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह। चलिए मैं यहाँ पर से एक दे देता हूँ। तो जो भी लिंक आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो वो आप यहाँ पर से करवा सकते हो। और उसके बाद नीचे आइए, नीचे आकर इसको यहाँ पर से सेव कर दीजिए। तो चलिए एक बार हम होम पेज पर आके देख लेते हैं।
यहाँ पर से आप अगर चाहो तो आप अपनी इमेज को भी अपलोड कर सकते हो, अपनी इमेज भी डिस्प्ले करवा सकते हो, जो कि मैं अब नहीं कर रहा। तो सिंपली आइए अपने ब्लॉग पर, यहाँ पर देखिए होम पेज पे हम आ गए हैं। अब रिफ्रेश करके देखता हूँ मेरा फुटर वन आया है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो फुटर वन है वो आ गया है। ये डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो। यहाँ पर आपका नाम आ गया, यहाँ पर आपकी इमेज आ जाएगी, यहाँ पर आपके सोशल लिंक्स आ गए हैं जो कि मैंने अभी दिया है अपना इंस्टाग्राम। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी फॉलो नहीं करा है तो यहां पर आप देख सकते हो ब्लॉगर सलमान मेरा यूजर नेम है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहां पे मैं तो ऐसे ही आप यहां पर फुटर टू, फुटर थ्री, फुटर फोर आप वन बाय वन डिस्प्ले करवा सकते हो। अब ये जो बाकी के फुटर्स है, फुटर टू, फुटर थ्री वगैरह, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। आप अपने हिसाब से जो आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो वो आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके वहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हो। अब हमने अपना एक स्टोर तो बना लिया है, सब कुछ हमने ऐड कर दिया, प्रोडक्ट्स वगैरह, शॉप वगैरह, होम पेज, हर वो चीज़ हमने कर ली। बट अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने नहीं करी, वो है पेमेंट सेक्शन, मतलब पेमेंट गेटवे हमने लगाया ही नहीं। कोई हमारे वेबसाइट के ऊपर आकर परचेज करेगा तो हमें पेमेंट आएगा कहाँ से? तो इसके लिए अब हम पेमेंट गेटवे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे पेमेंट गेटवेज होते हैं, जैसे पेपाल हो गया, पेटीएम हो गया, बहुत सारे होते हैं। पेपाल एक बहुत ही मतलब फेमस गेटवे है, बहुत सारे बड़े बड़े वेबसाइट्स वगैरह उसको यूज़ करते हैं। बट पेपाल सभी यूज़र्स यूज़ नहीं करते, जिनके वेबसाइट्स होते हैं वो तो यूज़ करते हैं, बट जो लोग परचेस करने आते हैं वो सभी लोग पेपाल यूज नहीं करते। इसके लिए अब हम एक पेमेंट गेटवे यूज करेंगे जिसकी मदद से जो यूजर होगा वो किसी भी तरह से पेमेंट कर सकता है, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कुछ भी, मतलब यूपीआई, क्यूआर कोड, हर तरीके से जैसा वो प्रेफर करे वो कर सकता है पेमेंट। तो इसके लिए हमें प्लगइन्स के ऊपर आना है। प्लगइन्स के ऊपर आने के बाद आपको यहां पर ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करना है, ऐड न्यू। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इंस्टा मोजो लिख के सर्च करना है, इंस्टा मोजो। इंस्टा मोजो एक वन ऑफ द बेस्ट पेमेंट गेटवे मुझे लगता है, मैं इंस्टा मोजो ही यूज़ करता हूँ अपने पेमेंट गेटवे के लिए, मेरे स्टोर पे, मेरे और भी स्टोर्स हैं उनके ऊपर भी। तो यहाँ पर ये वाला आपको इंस्टॉल करना है, इंस्टा मोजो फॉर WooCommerce, आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ये इंस्टॉल हो जाए आपको इसे एक्टिवेट भी कर देना है। अब आपके पास InstaMojo का अकाउंट है तो अच्छी बात है, अगर अकाउंट नहीं है तो आपको InstaMojo का अकाउंट बना लेना है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक पे जाके अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। बहुत ही बेस्ट पेमेंट गेटवे मुझे लगा ये अभी तक का InstaMojo पेमेंट गेटवे। यहाँ पर इंटीग्रेट करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर देखिए क्लाइंट आईडी होगी और क्लाइंट सीक्रेट, मतलब एक की होगी, वो दो चीज़ें आपको चाहिए। तो सिंपली आपको InstaMojo के अकाउंट में लॉगिन कर लेना है, अकाउंट नहीं है तो साइन अप कीजिए और अकाउंट बना लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो ये मैं अपने InstaMojo के डैशबोर्ड में लॉगिन कर चुका हूँ, यहाँ पर देख सकते हो ये मेरा न्यू अकाउंट है, यहाँ पर देखिए जिसका मतलब तीन कुछ सेल्स हुई हैं, ये मतलब न्यू अकाउंट है मेरा ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर API एंड प्लगइन से आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो WooCommerce/WordPress इस तरह का कुछ आएगा, यहाँ पर देखिए क्लाइंट आईडी होगी। तो ये जो आईडी है वो आपकी क्लाइंट आईडी है, आपको इसे कॉपी कर लेना है। आपको इसे कॉपी करके यहाँ पर आप देख सकते हो क्लाइंट आईडी है, तो इसमें आपको इसे पेस्ट कर देना है और उसके बाद आपको फिर से वहीं जाना है। अब यहाँ पर देखिए क्लाइंट सीक्रेट है, आपको इसे कॉपी करना है, इसको कॉपी कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर आपको क्लाइंट सीक्रेट जो है इसमें आपको उसे पेस्ट कर देना है। बस सिंपल इतना ही करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर सेफ चेंजेस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेफ चेंजेस पर क्लिक करते हो तो आपका InstaMojo जो है वो इंटीग्रेट हो चुका है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि InstaMojo सक्सेसफुली इंटीग्रेट हुआ है या नहीं? तो इसके लिए हम यहाँ पर अपने होम पेज पर आ जाते हैं। आने के बाद मैं यहाँ पर से इसको अपने URL को कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने कॉपी किया। अब मैं यहाँ पर से इनकॉग्निटो मोड ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पर अपनी URL पेस्ट मैंने कर दिया, ये मेरा वेबसाइट आ गया है। और अब मैं यहाँ पर से एक प्रोडक्ट बाई करने की कोशिश करता हूँ, तो चलिए रिच डैड पुअर डैड इस पर मैंने क्लिक किया, ये मेरा प्रोडक्ट आ गया है। अब मैंने यहाँ पर से ऐड टू कार्ट करा और उसके बाद यहाँ पर से मैं व्यू कार्ट पे गया और अब प्रोसीड टू चेकआउट पे गया और InstaMojo यहाँ पर आ गया है, देखना InstaMojo आ गया, प्लेस ऑर्डर,
ये डिटेल्स मुझे फिल करनी पड़ेगी, ये डिटेल्स फिल करने के बाद प्लेस ऑर्डर हो जाएगा। तो हमने सक्सेसफुली इंस्टामोजो को भी इंटीग्रेट कर लिया है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो साइड बार है ये आ रहा है, तो हमें ये साइड बार नहीं चाहिए। तो ये मैं इनकॉग्निटो मोड को कट करता हूँ। अब मैं यहाँ से इस प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ, और करने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो साइड बार नहीं आ रहा है। अब मैं जैसे ही ऐड टू कार्ट करता हूँ, यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये साइड बार आ रहा है जो कि बकवास सा लग रहा है। इसे हमें हटाना है, तो इसके लिए यहाँ पर देखिए एडिट पेज है, यहाँ पर क्लिक करना है आपको। इस पर क्लिक करते ही आप इस वाले पेज के एडिटिंग सेक्शन में आ जाओगे, पर्टिकुलर इस पेज के। यहाँ पर देखिए पेज एट्रीब्यूट से आपको इस पर क्लिक करना है, और ये डिफॉल्ट टेम्पलेट है, तो आपको इसे एलिमेंट और फुल वर्थ कर देना है, और उसके बाद आपको अपडेट कर देना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, अब हम एक बार बैक चलते हैं। अब ये देखो, ये ऐसा आ रहा था, अब रिफ्रेश मैं करता हूँ, यहाँ पर देखना गाइस, वो चला गया और ये अब अच्छा सा लग रहा है। अब एक बार हम यहाँ पर प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखना गाइस, यहाँ पर भी ये साइड बार आ गया है। तो इसके लिए भी सेम आपको एडिट पेज पे जाना है, और सेम यहाँ पर पेज एट्रीब्यूट्स पे आपको जाना है, और जाकर यहाँ पर से आपको एलिमेंट ऑफ फुल वेट करके यहाँ पर अपडेट कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर व्यू पेज पर क्लिक कीजिए। अब आप देख सकते हो यहाँ पर से भी साइड बार चला गया है गाइस। तो फाइनली गाइज, हमने अपना स्टोर सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। इसमें हमने सब कुछ कवर करा है दोस्तों, होम पेज से लेकर पेमेंट गेटवे तक। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताने की कोशिश करी है, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया भी होगा। दोस्तों, ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है दोस्तों, बहुत लंबी वीडियो है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। और दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपकी ज़रा सी भी हेल्प हुई है तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और एक कॉमेंट करके आप ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और मैंने जो बताने की कोशिश करी वो समझ में आया है या नहीं। गाइस, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एलिमेंटर प्रो सिर्फ 199 रुपीज़ में परचेस करने की लिंक भी दी है, और इंस्टामोजो पे अगर आपका अकाउंट नहीं है तो उसकी भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से जाके आप अपना अकाउंट बना सकते हो। सो या गाइस, मिलते हैं एक और अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय।